नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नवभारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और ले चलती हूं आपका आज फिर कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह की ओर। आरोह का पाठ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो निर्मला पुतूल जी की कविता है आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं कविता में हम जानेंगे कि किस प्रकार हमें हमारी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये कौन प्रयास करने के लिए कौन कह रहा है? निर्मला पुतूल जी अपने समाज के लोगों से ये आह्वान कर रही हैं, ये पुकार कर रही हैं कि हमें हमारी संस्कृति को बचाना पड़ेगा और इसके लिए हमें हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हमारा जो वातावरण है ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों प्रकार का होता है, तो ग्रामीण परिवेश के ऊपर, आदिवासी परिवेश के ऊपर, आदिवासी संस्कृति के ऊपर जो शहरीकरण है, जो नगरीकरण है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब ऐसा प्रभाव पड़ रहा है तो उनके खान पान पर, उनके रहन सहन पर, उनके पहनावे, वेशभूषे, रीति रिवाजों पर, सभी पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? शहरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। वो जिस जंगल में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिस जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं, वो जंगल समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ने के कारण आवास के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, उनकी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उन जंगलों पर जो निर्भर रहते हैं उन्हें पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आदिवासी समाज है वो खतरे में है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है वो खतरे में है। तो यहाँ पर कवियत्री जो निर्मला पुतूल जी, उन्होंने यही आह्वान किया है अपने समाज से, अपने लोगों से कि आइए हमें मिलकर के अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो समाज है, उसे बचाना पड़ेगा। और यही पुकार वो अपनी कविता में कर रही है। तो चलिए कविता को पढ़ने से पहले हम कवियत्री जी के बारे में जान लेते हैं, निर्मला पुतूल जी के बारे में जान लेते हैं। निर्मला पुतूल जी का जन्म सन 1972 में दुमका झारखंड में हुआ था। कहां हुआ था? दुमका झारखंड में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। ठीक है, निर्मला पुतूल जी का जन्म एक आदिवासी समाज के अंदर हुआ था और इन्होंने शुरू से ही बंदिशों में रहना सीखा था, लेकिन इनकी इच्छा थी कि ये बड़े होकर के अपने समाज के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा करा। वहाँ उस समय जब आदिवासी समाज में लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं समझा जाता था, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करके इन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा हासिल किया। और नर्सिंग करते समय इन्होंने बाहरी दुनिया को देखा, जाना, समझा और इन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई, इन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि हमें हमारी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा? क्योंकि इन्हें लगा कि हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे रीति रिवाजों के ऊपर, हमारी परंपराओं के ऊपर शहरीकरण का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, हमारी संस्कृति खतरे में पड़ रही है। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ, जिससे वे अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। अब इन्होंने अपनी कविताओं में कौन कौन से विषय लिए, देखिए अपनी रचनाओं में उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा। विसंगतियां यानी क्या क्या कमियां, क्या क्या खामियां इन्हें महसूस हुई अपने समाज के अंदर। देखिए, कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, आदिवासी समाज के लोग जो हैं, इनके परिवार के जो लोग हैं, इनके आसपास के जो समाज के लोग हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी इनकी खराब दशा रहती है, निर्धन के निर्धन बने रहते हैं, दो वक्त भोजन के भी इन्हें तरीके से खाना नहीं मिलता, दो वक्त का भोजन भी ये उचित प्रकार से नहीं जुटा पाते हैं। कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, कुरीतियां यानी जो बुरी रीतियां बनाई है समाज ने, उन बुरी रीतियों के कारण इनकी पीढ़ियों में क्या हो रहा है, दरार उत्पन्न हो रही है, यानी इनकी पीढ़ियां बिगड़ रही हैं, वो और कहीं जाकर के बसने को मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उन रीतियों को ये मंजूर, ये एक्सेप्ट ये नहीं करती है। थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, यानी थोड़े से लाभ के लिए बड़े बड़े समझौते हो जाते हैं। पुरुष वर्चस्व, आज भी हमारे समाज की यही परिस्थिति है, पुरुषों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, घर के जो फैसले होते हैं, घर के जो निर्णय होते हैं, उन्हें लेने के लिए भी पुरुषों को ही अधिकार होता है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता है। आज भी हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ जो
वर्ग हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर महिलाओं को उनकी किसी भी चीज में राय मशवरा नहीं लिया जाता है, वहां पर केवल पुरुषों का ही वर्चस्व होता है, पुरुषों के ही निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता है। स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, यानी अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाना, शिक्षित समाज का अधिकारियों और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं। यानी जो समाज के लोग हैं अगर वो शिक्षा भी पा लेते हैं, तो शिक्षा पाने के बावजूद भी जो उच्च अधिकारी होते हैं या जो व्यवसाय करने वाले जो बड़े लोग होते हैं वो उनका शोषण करते हैं। इस प्रकार के विषयों को, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको निर्मला पुतूल जी ने अपनी कविताओं में शामिल किया, अपनी रचनाओं में शामिल किया और अपने समाज की जो दयनीय दशा है उसको इन्होंने पूरी तरीके से अपनी रचनाओं में दर्शाया है। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम कविता की पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्या है। प्रस्तुत कविता आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। बेबाकी यानी यहाँ पर कवयित्री ने किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं की है, उन्होंने अपनी बात को बिना किसी शर्म के व्यक्त किया है। अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने जैसा देखा वैसा उन्होंने व्यक्त किया है। संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता है जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा जैसी कुरीतियां भी है। यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। हमारी कविता आओ मिलकर बचाएं का मूल स्वर क्या है, देखिए। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। अब प्रकृति के विनाश से क्या तात्पर्य है, जंगलों को काटना, ठीक है। फिर विस्थापन क्या है, जो आदिवासी लोग हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर देना, जैसे सरकारी जो प्रोडक्ट होते हैं, सरकारी जो प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्ट के लिए कोई ज़मीन होती है, जैसे वहाँ पर कोई घर बने हुए हैं तो उनको कहीं और ज़मीन दे दी जाती है और ताकि उस पर सरकार अपना प्रोजेक्ट कर सके। उसी प्रकार यहाँ पर भी इनके साथ यही हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है और जंगलों को काटने पर इनको कहीं और पे शिफ्ट कर दिया जाता है, कहीं और पर विस्थापित किया जाता है। तो प्रकृति का विनाश और विस्थापन ही आदिवासी समाज के लिए संकट बना हुआ है और यही हमारी कविता का विषय है। यह कविता प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है। कवयित्री अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। संथाली समाज, ठीक है, और झारखंड का है, झारखंड की है ये, तो इन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने समाज को बचाने के लिए पुकार की है, आवाहन किया है। क्या कहती है देखिए, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अब ध्यान से देखिए, अब यह है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं। यहां पर ये जो शब्द दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये दोष है। कौन सा दोष है, काव्य का दोष है। अब कैसा दोष है, हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कविता के अंदर जो कवयित्री है इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। अब यहाँ पर ये जो शब्द है कि हमें हमारी बस्तियों को नंगी होने से बचाना है, अर्थात हमें हमारी संस्कृति को, हमारी बस्तियों को, हमारे शहर, हमारे जो कस्बा है छोटा सा, उसे बचाना होगा। किससे, शहरी संस्कृति से बचाना होगा। हमारी संस्कृति के ऊपर, आदिवासी समाज की संस्कृति के ऊपर जो शहरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, शहरी संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है, वर्चस्व बढ़ रहा है उसका, उससे हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। और अगर दूसरे अर्थों में अगर हम इसका अर्थ देखें तो दूसरे अर्थ में ये कहना चाहती कवित्री कि जंगलों को विनाश होने से, पेड़ पौधों के कटने से क्या हो रहा है, इस धरती का नाश हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, इसलिए हमें उसे बचाना होगा। क्यों, क्योंकि यही उनका घर है, यही उनका जीवन है। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, कि शहर की जो जलवायु है, यहाँ पर आबो हवा, आब का मतलब होता है जल और हवा का मतलब तो वायु होता ही है, ठीक है। तो शहर की जलवायु से
हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा, हमें शहर से आने वाली विभिन्न कुरीतियां यानी जो अब संस्कृति है, बुरी संस्कृति है, गंदा कल्चर है, उससे हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। अब इन्होंने शहरी संस्कृति को गंदा क्यों कहा है? वहां पर छोटे छोटे कपड़े पहनना, माँ बाप को उचित सम्मान नहीं देना, अपने से बड़ों का आदर नहीं करना, अपने से छोटों से ठीक तरीके से बात नहीं करना, रात रात भर जाग घूमना, प्रकृति को अपना उचित महत्व नहीं देना, इस प्रकार की जो बातें हैं जो शहरी समाज की पहचान है, उससे इन्होंने अपने समाज को बचाने की क्या की है, आवाहन किया है। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अभी हड़िया क्या होता है? एक मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी की जैसे मटकी होती है ना, इस प्रकार का वो बर्तन होता है जिसके अंदर सब्जी वगैरह बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा है कवियत्री ने कि हमें हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बचाना होगा, नहीं तो पूरी की पूरी बस्ती जो है वो हड़िया में समा जाएगी। हड़िया यानी उस पात्र के अंदर समा जाएगी, सिमट के रह जाएगी हमारी संस्कृति अगर हमने उसको नहीं बचाया तो। आगे बढ़ते हैं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का और अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अब हमारी पहचान किससे होती है? हमारे पहनावे से, हमारे बोलचाल से, हमारी वेशभूषा से, हमारी जो चेहरा है उससे। मतलब व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसका बाहरी आवरण ही उसकी पहचान बता देता है। तो यहाँ पर कवियत्री ने यही कहा है कि अपने चेहरे पर संथाल सरगना की माटी का रंग, कि हमें हमारे चेहरे पर क्या करना पड़ेगा, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो पहनावा है, वेशभूषा है, वो हमारे चेहरे से झलकना चाहिए। ठीक है, कोई भी राजस्थान का व्यक्ति आप उसके पहनावे को देख करके समझ जाएंगे भाई हाँ ये राजस्थानी है। गुजराती कोई व्यक्ति आपको आप देखोगे तो उसके पहनावे से आप समझ जाओगे भैया गुजराती है। अगर आप पहनावे से नहीं तो आप उसकी भाषा से तो जरूर समझ जाएंगे, उसकी बोली से जरूर समझ जाएंगे कि व्यक्ति कौन से प्रांत का रहने वाला है, उसके व्यवहार से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर कवियत्री ने यही कहा है कि हमारे चेहरे पर जो है वो संथाल फरगना की माटी का रंग दिखना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा जो हमारी जो रीति रिवाज है वो हमारे चेहरे से झलकने चाहिए। भाषा में झारखंडीपन यानी झारखंडीपन जो है हमारी भाषा में दिखना चाहिए। आज जो अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है, हर किसी क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जा रहा है, वहीं पर ये प्रार्थना कर रही है, ये आह्वान, ये पुकार कर रही है कि हमें हमारी भाषा में झारखंडीपन को लाना होगा। यानी झारखंड जो हमारी पहचान है, झारखंडी भाषा जो हमारी पहचान है, उसे हमें बनाए रखना होगा, उसे हमें हमारी दैनिक बोलचाल में, हमारे दैनिक जीवन में काम में लेना होगा। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, यानी प्रतिदिन की जो दिनचर्याएं होती आदिवासी समाज में, हमारे समाज में जो प्रतिदिन जो दिनचर्याएं होती थी वो ठंडी पड़ती जा रही है, जो गर्माहट, जो जोश कार्य को लेकर के होता था वो अब कहीं दिखाई नहीं देता है। मन का हरापन, भोलापन दिल का, यानी मन में जो हरापन यानी खुशहाली, हरियाली जो दिखाई देती थी वो भी नहीं दिखाई दे रही, उसका भी अभाव महसूस हो रहा है। दिल का जो भोलापन था, आदिवासी समाज के लोग बहुत भोले होते हैं, ये इन्होंने विशेषता बताई है कवियत्री ने कि हमारे समाज के लोग बहुत भोले होते हैं, तो वो सारा का सारा भोलापन जो दिल का था वो कहीं गायब हो गया है। अक्खड़पन और जुझारूपन भी दिखाई नहीं देता है, यानी अब वो ये कह रही है कि अब हमारे समाज के अंदर जो हमारे प्रांत की पहचान है, हमारी माटी का रंग जो है वो हमें लाना होगा, हमारी भाषा के अंदर हमें झारखंड की जो भाषा है उसको सम्मिलित करना होगा, और मुझे नहीं दिखाई देता जो दैनिक जीवन की जो हमारी कार्य होते हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, उसके जो करने के लिए जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, जो गर्माहट होती है, वो ठंडी पड़ गई है, वो जोश ठंडा पड़ गया है, धीमा पड़ गया है, और मन का हरापन, मन की जो खुशियाँ है वो भी कहीं गायब हो गई हैं। जो भोलापन दिल का है वो भी नहीं दिखाई देता है उनके अंदर, भोलेपन की जगह उनके अंदर क्या आ गया, कठोरता आ गई है, कठोरपन आ गया है, चिड़चिड़े हो गए हैं। अक्खड़पन और जुझारूपन भी, जीवन को लेकर के जो जुझारूपन होता था, यानी जीवन को लेकर के जो कठिनाइयों का वो सामना करते थे डट करके, वो भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब कविता इस हमने जो पंक्तियां पढ़ी उनका भाव सौंदर्य देखते हैं। अपनी देशी संस्कृति को बचाने की तड़प और ललक
हमें इस कविता के अंदर दिखाई देती है, इन पंक्तियों में दिखाई देती है। शहर की आबो हवा शहर की अपसंस्कृति और कृत्रिम चकाचौंध के प्रतीक है। यानी यहाँ पर कवियत्री ने प्रतीक रूप में किसे लिया है? अपसंस्कृति और कृत्रिम चकाचौंध को लिया है। हड़िया सर्वनाश का प्रतीक है जो प्रकृति की विनाशकारी लीला को इंगित करता है। अब शिल्प सौंदर्य क्या है? ये तो हमारा भाषा सौंदर्य था, भाव सौंदर्य था। अब शिल्प सौंदर्य क्या है कि उर्दू तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग यहाँ कवियत्री ने किया है। छंद मुक्त होते भी भाषा का प्रवाह दर्शनीय है। ये छंद मुक्त कविता है, इसमें किसी प्रकार के छंद का कोई उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नंगे होना त्रिआयामी शब्द प्रयोग है जिसमें कपड़े कम पहनना जो शहरी संस्कृति का मेन मुद्दा माना जाता है। शहरी संस्कृति के अंदर बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं, तो इसको यानी हमारी कविता में जो शब्द आया है नंगी होना, इसे तीन प्रकार का अर्थ है। पहला तो कपड़े कम पहनना, दूसरा मर्यादाओं को छोड़ना, और तीसरा निर्लज्ज होना और पेड़ पौधों से विहीन होना। मर्यादाएं छोड़ना यानी रीति रिवाजों को छोड़ना, फिर निर्लज्ज होना यानी बेशरम हो जाना, ठीक है, और फिर क्या है, पेड़ पौधों से विहीन प्रकृति का होना। मन का हरापन लाक्षणिक प्रयोग है, इससे मन की मधुरता सरसता और उमंग उल्लास की अभिव्यक्ति यहाँ कवियत्री ने की है। आगे है प्रस्तुत कविता, यानी अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर क्या है, प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता। कवित्री झारखंड के संथाली रंग और जीवन शैली को बचाना चाहती है। आपकी यदि का प्रश्न आता है कि आओ मिलकर बचाए कविता के अंदर कवित्री क्या संदेश देना चाहती है या वो किन मूल भाव क्या है उसका, तो ये वही है उसका मूल भाव कविता का, या कवियत्री क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है अपनी कविता के माध्यम से। तो देखिए, वह अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। वे चाहती है कि उनके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अखड़पन और जुझारूपन बना रहे। वे पहले की तरह धनुष बाण कुल्हाड़ी को धारण करे। उन्हें वही जंगल की ताजा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने गाने के लिए गीत और आंगन, रोने के लिए एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति मिलती रहे। वे अब भी पहले की तरह विश्वास, आशा और सपनों के संसार में जीना चाहती हैं। यानी अपनी कविता के माध्यम से वो क्या क्या करना चाहती हैं ये उन्होंने बताया है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट। अब यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है, वो ये कहना चाहती है कि हमारे समाज की जो पहचान थी भीतर की आग, यानी हमेशा कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, किसी भी कार्य को करने के लिए पूरा पूरा अपना श्रम देना, अपना सहयोग देना, तो वो जो भीतर की आग है वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। धनुष की डोरी पहचान हुआ करती थी आदिवासी समाज की, वो धनुष का प्रयोग करके अपने दुश्मनों का नाश करते थे। शिकारी जो होते थे वो शिकार करते थे, वो धनुष के माध्यम से शिकार करते थे। तीर का नुकीलापन यानी धनुष चलाने के लिए जो नुकीले तीरों का प्रयोग करते थे वो अब कहीं दिखाई नहीं देता कवियत्री को। कुल्हाड़ी की धार, जिस कुल्हाड़ी का प्रयोग वो अपने पहचान के लिए, अपनी शान के लिए करते थे, वो उसका भी कहीं नजर नहीं आ रही है अब कवियत्री को। जंगल की ताजा हवा यानी आदिवासी समाज को जो जंगल से शुद्ध हवा मिलती थी, निर्मल हवा मिलती थी, वो हवा भी अब कहीं नहीं मिल रही है। नदियों की निर्मलता यानी नदियों का जो निर्मल और स्वच्छ जल है वो भी अब दूषित हो गया है। जो वायु है वो भी प्रदूषित हो गई है, यानी हर और गंदगी, प्रदूषण ही प्रदूषण फैला हुआ है, इन्हें कुछ भी स्वच्छ नहीं मिल रहा है। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन यानी पहाड़ों का जो मौन है यानी शांति जो होती थी पहाड़ियों में वो भी अब नहीं मिल रही है। गीतों की धुन यानी प्रत्येक रीति रिवाज यानी हर किसी त्योहार से संबंधित जो गीत होते हैं, जैसे घूमर नृत्य होता है, विवाह गीत होते हैं, गणेश जी बिंदाया का गीत होता है, यानी हर अलग परंपरा के लिए, हर अलग अवसर के लिए एक विशेष गीत होता था, तो उन गीतों की धुन भी अब कवियत्री को नहीं सुनाई दे रही है। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी पर अगर हम पानी डालते तो बहुत अच्छी, बहुत
मतलब सौंधी सौंधी खुशबू आती है मिट्टी से, गीली मिट्टी से, तो उस मिट्टी का जो सौंधापन है वो भी अब कहीं गायब हो गया है, उसका अभाव महसूस करिए कवित्री। फसलों की लहलहाट, खेतों में लहलहाती फसलें, वो भी अब कहीं नजर नहीं आ रही है कवित्री को। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अब यहाँ पर कवियत्री ने क्या कहा है, कवियत्री ये कह रही है कि आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं उनके पास पूरा का पूरा उनका जंगल होता है, पूरा का पूरा जो पर्यावरण है वही उनकी फैमिली होती है, वही उनका परिवार होता है, प्रकृति के जो तत्व होते हैं वही उनके परिवार के लोग होते हैं। तो यहाँ पर कवियत्री ये कह रही है कि नाचने के लिए खुला आंगन, हमारे समाज के लोगों के पास में नाचने के लिए खुला आंगन होता है, यानी पूरी प्रकृति है उनकी, तो नाचने गाने के लिए पूरा का पूरा जो है आंगन है वो उनका अपना होता है, पूरी प्रकृति उनकी होती है। गाने के लिए गीत, यानी मैंने बताया था आपको, हर अवसर के लिए एक नया गीत, नई धुन होती है उनके पास में। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, यानी हंसने के लिए उन्हें किसी अवसर की आवश्यकता नहीं होती है, हर किसी मौके पर हमेशा वो खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते थे। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यानी जब वो सैड होते थे, जब वो दुखी होते थे, तो उन्हें रोने के लिए एकांत स्थान भी मिल जाया करता था आसानी से। बच्चों के लिए मैदान, आज की प्रकृति में आज का जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, उसमें बच्चे आउटडोर गेम की जगह इंडोर गेम्स पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, और आजकल जो दूरभाष यंत्र हमारे हाथों में रहता है, मोबाइल जो हमारे हाथों में रहता है, उसमें आउटडोर इंडोर हर प्रकार के गेम आप खेल सकते हैं। माता पिता के साथ में बच्चे इतना समय नहीं व्यतीत करते हैं जितना वो फोन के साथ में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो यही सबसे बड़ी अब संस्कृति है शहरी समाज की, कि बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं बल्कि मोबाइल फोन का प्यार मिलता है। तो कवियत्री ने यही कहा है यहाँ कि बच्चों के लिए मैदान है खुला खेलने के लिए, वो कहीं भी खेलते हैं अपनी मस्ती से, उनको पूरा का पूरा मैदान मिल रहा है खेलने के लिए, लेकिन हमारे शहरों में हमारे घर सिमटते जा रहे हैं, और घरों के सिमटने के साथ साथ ही बच्चों के जो खेल के मैदान है वो भी सिमटते जा रहे हैं। पशुओं के लिए हरी हरी घास, यानी जो पशु रहते थे उनके पास में, उनके लिए जंगल में हरी हरी घासें चरने के लिए होती थी, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और उन गायों को, उन पशुओं को ले जाने वाले जो हमारे बूढ़े ग्वाल होते थे, उन्हें पहाड़ों के एकांत मिलता था, पहाड़ों में जाकर शांति और सुकून महसूस होता था। आगे है, अब ये जो पंक्तियां पढ़ी हमने, आप इनका भाव सौंदर्य क्या है देखिए। अपनी देशी संस्कृति को बचाने की तड़प और ललक, वही प्रश्न आता है कि आओ मिलकर बचाए कविता का भाव सौंदर्य क्या है। ये आपको पंक्तियां दे देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों का भाव सौंदर्य क्या है, इसका शिल्प सौंदर्य क्या है, तो इसीलिए आपको ये जानना आवश्यक है। लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है कवियत्री, पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति विशेष लगाव प्रदर्शित हुआ है, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों की धुन, लोक गीतों की धुन, ये सब क्या है, पर्यावरण को बचाने के संदेश है। अब शिल्प सौंदर्य वही उर्दू और देशी भाषा के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है, छंद मुक्त होते हुए भी भाषा का प्रवाह दर्शनीय है, भीतर की आग मन की तीव्र इच्छा का घोतक है, और हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और दोनों बार उसका अर्थ एक ही होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। पशुओं के लिए हरी हरी घास, तो हरी हरी में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब कवियत्री कह रही है, अब हमने ये देखा मूल भाव क्या है इसका, देखिए कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है, वे नृत्य गान हंसी खिलखिलाहट दुख खेल कूद एवं शांति सबको महत्व देती है, यानी हमारे जीवन की जो क्रियाकलाप होते हैं उन सभी को कवित्री ने यहाँ महत्व दिया है, सभी को अपनी लेखनी में, अपनी इन पंक्तियों में उन्होंने सम्मिलित किया है, उन्हें सुख और दुख, बच्चे और बूढ़े, मनुष्य और पशु, उमंग और शांति सभी अनुभव प्रिय है, ठीक है। वे झारखंड के जनजीवन की स्वाभाविकता को बनाए रखने का आग्रह करती हैं, अपने प्रदेश की पहचान और उसे प्राकृतिक परिवेश को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं जिसमें उनके पूर्वज रहा करते थे। शहरी संस्कृति के फैलाव के कारण लोगों के जीवन में जड़ता और ठहराव का भाव है, शहरी आबो हवा से बस्तियों में उच्छृंखलता का भय है, कवियत्री लोक जीवन में मिलने वाले आपसे विश्वास और आशाओं को बचाने का आग्रह यहाँ करती है।
आओ इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास। अब कवियत्री ने अपनी बात को समक्ष में रख दी है। अपनी बात को रखने के साथ साथ ही उसने अपने समाज में होने वाली जो कुरीतियां हैं उनको भी बताया, और अपने समाज में जो अच्छाइयां हैं उनको भी यहाँ कवियत्री ने बताया है, ठीक है। और इस अविश्वास भरे दौर में बिल्कुल सही बात है, आज किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते हम। इसी बात को लेकर के कवियत्री ने कहा है कि इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने, यानी हमें हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस अविश्वास भरे दौर में भी विश्वास बनना पड़ेगा, थोड़ी सी उम्मीद लगानी पड़ेगी और थोड़े से सपने भी हमें देखने पड़ेंगे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। आओ मिलकर बचाएं कि आइए मिलकर बचाते हैं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास, कि आओ थोड़े से सपनों के सहारे, थोड़ी सी उम्मीद के सहारे और थोड़ी सी विश्वास के सहारे हम हमारी संस्कृति को बचाएं। और अब क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ है हमारे पास हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, तो आओ हम मिलकर हमारी संस्कृति को बचाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका भाव सौंदर्य क्या है, देखिए भाई कवित्री लोक जीवन के सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यानी जो आदिवासी समाज निराशाओं से घिर चुका है, जिस समाज में नकारात्मकताएं भर गई है कि हम हमारी संस्कृति को नहीं बचा सकते, तो ऐसी परिस्थिति में कवित्री ने यहाँ पर उनमें नव जीवन भरा है, नव संचार भरा है, उनमें प्रेरणा दे रही है, उनको सकारात्मक सोच उनमें भर रही है। अपनी लेखनी के माध्यम से सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की वो प्रेरणा दे रही है। वे शहरी संस्कृति के कारण उपजे अविश्वासपूर्ण वातावरण को निर्मूल सिद्ध करना चाहती है। यानी शहरीकरण के कारण जो हमारी संस्कृति खतरे में है उसको बचाने के लिए वो क्या कर रही है, पुकार कर रही है, प्रयास कर रही है। कवियत्री का स्व संस्कृति प्रेम प्रकट हुआ, यानी उनका अपनी संस्कृति के प्रति जो प्रेम है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। शिल्प सौंदर्य भाषा में उर्दू संस्कृत तद्भव शब्दों का अद्भुत संगम है। पद्यांश में न छंदबद्धता है, न तुकांतता है, न संगीत, बल्कि अर्थ का प्रभाव ही देखने को मिलता है। कथन शैली का काव्यात्मक प्रयोग है, कथन शैली का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये थी हमारी कविता आओ मिलकर बचाएं। कैसी लगी आपको हमारी कविता हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।